Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths and Chemistry. So friends, today in this video we are going to practice some important questions related to your master cadre and lecture cadre mathematics exam. So without further ado, let's get started. So here our question number one is, if G is a group and H is a subgroup of index 2 in G, then what we can say about the subgroup H? H जो होगा वो साइक्लिक सबग्रुप होगा जी का, या फिर अबेलियन सबग्रुप होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा, या फिर नॉट अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो मैं गिवन है इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच इज सबग्रुप ऑफ जी। हमें एच दिया गया है सबग्रुप ऑफ जी सच दैट इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2। इंडेक्स ऑफ एच इन जी ये हमें कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडर्न अलजेब्रा में हम ये रिजल्ट पढ़ते हैं, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, देन रिजल्ट क्या कहता है? देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया गया एच ऐसा सब ग्रुप है जी का जिसका इंडेक्स अगर हम जी में निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये एच जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, रिजल्ट आपने ये याद रखना है। रिजल्ट याद है तो अभी विदिन सेकेंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट क्या है? इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, कोई भी ऐसा सब ग्रुप अगर आप ग्रुप का ले रहे हो जिसका इंडेक्स जब आपने निकाला विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप वो 2 आ रहा है, तो वो जो सब ग्रुप होगा वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। ओके, तो चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ये ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको भी करेक्ट करेंगे। हाँ जी, तो रिजल्ट क्या होता है कि अगर हम ग्रुप्स की बात करें ऑर्डर 1 से 1000 ऑर्डर तक के ग्रुप्स की बात, ऐसे ग्रुप्स जिनका ऑर्डर 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है, 1000, ये मैं ऑर्डर ले रही हूँ ग्रुप के, ठीक है। ऑर्डर 1 से ऑर्डर 1000 तक जो सिंपल ग्रुप होते हैं ना उनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें रिजल्ट याद रखना है, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा में ज़्यादातर रिजल्ट जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। रिजल्ट आपको याद होंगे तो आप इजीली टैकल कर लोगे इन क्वेश्चन से। हाँ जी, रिजल्ट क्या बता रही थी मैं कि ऑर्डर 1 से ऑर्डर 1000 तक जो सिंपल ग्रुप्स होंगे ना उनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 60 ऑर्डर का हमें सिंपल ग्रुप मिलता है, 1 से लेकर 1000 तक हमें 60 ऑर्डर का एक सिंपल ग्रुप मिलता है। उसके बाद 360 ऑर्डर का हमें सिंपल ग्रुप मिलता है, ठीक है। 660 ऑर्डर का हमें सिंपल ग्रुप मिलता है, 168 ऑर्डर का हमें सिंपल ग्रुप मिलता है। उसके बाद आता है 504 ऑर्डर का हमें सिंपल ग्रुप मिलता है। बस जो 1 से ऑर्डर 1000 तक जितने भी सिंपल ग्रुप्स होंगे उनके ऑर्डर बस यही हो सकते हैं, ये 5 ऑर्डर्स ही हो सकते हैं। या तो 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप मिलेगा, 360, 660, 168, 50 और ऑर्डर, इन 5ों ऑर्डर्स के अलावा अगर कोई और ऑर्डर होता है हमारे पास ग्रुप का तो उस ऑर्डर का सिंपल ग्रुप नहीं होगा। अगर ये बात हो रही है सिर्फ 1 से लेकर 1000 ऑर्डर तक, इसके बाद आगे हो सकते हैं लेकिन 1 से लेकर 1000 ऑर्डर्स के जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें से जो सिंपल ग्रुप होंगे उनके ऑर्डर्स बस यही हो सकते हैं। तो अगर हम इसी स्टेटमेंट के साथ जाते हैं, ठीक है, अगर आप इसी अगर हम मानते हैं कि यही स्टेटमेंट ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? देयर आर नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो हमें तो पता है कि 1 से लेकर 1000 ऑर्डर तक सिंपल ग्रुप के ऑर्डर यही हो सकते हैं, 60 तो हो सकता है। तो उसने बोला है नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो 36 ऑर्डर का भी नहीं होगा, 56 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप नहीं होगा, 63 ऑर्डर का नहीं होगा। तो फिर तो ये 3 आंसर हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट बन रहे हैं, है ना। बट हमारा जो आंसर होते हैं
इसमें लेक्चर के अंडर एग्जाम है, उसमें तो वन ऑप्शन करेक्ट होता है ना, सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में है थोड़ी सी मिस्टेक, या तो पूछता यहाँ पे देयर इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कौन से ऑर्डर का सिंपल ग्रुप है, तो फिर ये 60 आंसर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग तो 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रही है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, स्टेटमेंट करेक्ट होगी, लेकिन ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना है। अगर ये रिजल्ट आपको आता है और स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो हम क्वेश्चन से डील कर लेंगे। ठीक है, देयर इज अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, अगर ऐसे होता तो फिर 60 आंसर आ जाना था, क्योंकि हमें पता है हाँ 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप होता। हाँ जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज, ये भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में रिजल्ट। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन की प्लेस पे यहाँ पे फील्ड आ जाता है ना, तब भी रिजल्ट सेम ही होता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। ओके, तो जो हमारे पास, चाहे हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हो चाहे फील्ड दिया हो, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो या तो 0 होता है या फिर प्राइम नंबर होता है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ जी क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दी गई है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बतानी है। फिर से ये मॉडर्न अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, तो ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मॉडर्न अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं ई डी इक्विलिब्रियम डोमेन, पी आई डी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यू एफ डी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन जो रिजल्ट है वो ये पढ़ते हैं। हाँ जी, एवरी ई डी इज पी आई डी, ई डी जो होता है वो पी आई डी होता है, और पी आई डी जो होता है वो यू एफ डी होता है, मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं एवरी ई डी इज पी आई डी, इम्प्लाई करता है एवरी ई डी इज पी आई डी, एवरी पी आई डी इज यू एफ डी। ये इस ऑर्डर में चलते हैं, रिवर्स ऑर्डर में ट्रू नहीं होती चीजें। ठीक है, एवरी ई डी इज पी आई डी, एवरी पी आई डी इज यू एफ डी। तो यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं, ये कहता है एवरी यू एफ डी इज पी आई डी, रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है, वो कहता है एवरी यू एफ डी इज पी आई डी, नो पी एवरी पी आई डी इज यू एफ डी होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये रिजल्ट कहता है सेकेंड वाला ऑप्शन, कहता है एवरी पी आई डी इज यू एफ डी, पी आई डी मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यू एफ डी मीन्स यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यस, ये ठीक है, एवरी पी आई डी इज यू एफ डी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी थी। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, ये कहता है एवरी आइडियल इन ई डी इज मैक्सिमल, कहता इक्लिडियन डोमेन का हर आइडियल जो होता है वो मैक्सिमल होता है। तो जब हम ईडी पढ़ते हैं तो ये उसमें रिजल्ट पढ़ते हैं ये भी, कि जेड जो होता है वो ईडी होता है, जेड रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये ईडी होता है। तो अगर हम सी के लिए ये काउंटर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये कहता कि अगर ईडी हो ना, तो एवरी आइडियल इन इक्लिडियन डोमेन इज मैक्सिमल, अगर हम ईडी में कोई भी आइडियल लेते हैं वो कहता है मैक्सिमल होता है, तो हम ये ले लेते हैं आइडियल 0 आइडियल इन जेड, तो ये जेड ईडी है, ईडी में हमने आइडियल लिया। ठीक है, क्या ये मैक्सिमल आइडियल है? नो, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो 2z में कंटेन कर जाता है, 2z इज आइडियल ऑफ z विच कंटेन 0 आइडियल, तो 0 मैक्सिमल आइडियल कैसे हो गया? मैक्सिमल आइडियल होता तो 0 और z के बीच में कोई और आइडियल ना आता, है ना। तो ये कहता कि अगर आप ईडी में कोई भी आइडियल लेते वो मैक्सिमल होता है, तो ये बात यहाँ से गलत हो गई है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया है। एवरी पी आई डी इज ई डी, नो आगे की तरफ जाना है, ईडी पी आई डी होता है, पी आई डी यू एफ डी होता है, ये कहता है पी आई डी जो होगा वो ईडी होगा, उल्टा रिवर्स में नहीं। ठीक है, तो ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन से हम इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है, एवरी ईडी इक्विलिब्रियम डोमेन इज
प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसको याद वैसे भी रख सकते हैं आप, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ई पी यू, सबसे पहले ई आता है ना, फिर उसके बाद पी आता है, फिर यू आता है, तो ई पी यू ऐसे याद रख लेना, ई डी पी आई डी यू एफ टी। हाँ जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयलर फाइव फंक्शन सेटिस्फाइज, हमने आयलर फाइव फंक्शन बताना है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। आयलर फाइव फंक्शन जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो फाइ ऑफ वन जो होता है वो वन होता है, ठीक है, फाइ ऑफ टू जो होता है वो भी वन होता है। उसके बाद हम निकालते कैसे हैं, ये जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ, पाई एन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एन सपोज करो कोई भी हमारे पास एन नंबर दिया हुआ है, तुम्हें पता है हर नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सपोज एन को ब्रेक करके हमने लिख लिया है पी वन रेस्ट पर अल्फा वन, पी टू रेस्ट पर अल्फा टू, पी थ्री रेस्ट पर अल्फा थ्री, मतलब जो भी एन हमें नंबर दिया गया था हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है ये, ठीक है। पी वन प्राइम नंबर है, प्राइम की कुछ पावर है, ये पी टू की पावर अल्फा टू है, ये प्राइम थर्ड प्राइम है, ठीक है, और ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, और इनकी हमने ये एन की फैक्टराइजेशन कर ली, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस केस में जो हमारा फाइ एन होता है ना वो होता है, ऐसे निकाल लेते हैं, पी वन रेस्ट पर अल्फा वन माइनस, ये लिखा, फिर पी वन रेस्ट पर अल्फा वन माइनस वन, एक कम कर दिया इस पावर में से, फिर ऐसे ही पी टू रेस्ट पर अल्फा टू माइनस, पी टू रेस्ट पर अल्फा टू माइनस वन, सेम लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, पी के रेस्ट पर अल्फा के लिखेंगे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी के रेस्ट पर अल्फा के माइनस वन, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे हमें फाइव टू निकालना था, तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे टू है, तो ये तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ही ना, एन को हमने ऐसे लिख दिया टू रेस्ट पर वन, बस आगे तो बन ही नहीं रही, तो ये पी वन रेस्ट पर अल्फा वन, तो इसके अकॉर्डिंग फाइव एन हमारा क्या होगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए, वो कहता है जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो, तो टू की पावर वन है ना ये, तो हमने टू की पावर वन ऐसे लिख दी, माइनस टू रेस्ट पर, एक पावर कम करके लिख दो, यहाँ पे वन पावर है तो यहाँ पे जीरो होगी ना, तो ये टू माइनस वन कितना आ जाएगा, वन, तो फाइव ऑफ टू हमारा कितना होता है, वन होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फाइव एट पूछा है, पहले देखो फाइव ऑफ वन वो कहता है जीरो होता है, नहीं फाइव ऑफ वन वन होता है, ये फंक्शन ही ऐसे डिफाइंड होता है आयलर फाइव फंक्शन की, वन पे ये वन आंसर देता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया रॉन्ग, ये कहता है फाइव ऑफ वन जीरो होता है। अब सेकेंड फाइव ऑफ एट थ्री होगा, निकाल लेते हैं एन की वैल्यू हमें कितनी दी गया, एट, एट की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, टू रेस्ट पर थ्री लिख सकते हैं, ये हो गया पी वन रेस्ट पर अल्फा वन, बस इतना ही, आगे का कोई और फैक्टर हमारे पास बन नहीं रहा है, तो हमें निकालना है फाइव एट। तो रिजल्ट क्या बताया है, जो भी आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है, जो एलिमेंट आया उसको एज इट इज लिख दो, यानी टू रेस्ट पर थ्री माइनस टू रेस्ट पर, इसमें से एक पावर कम करके लिख दो, तो ये कितना बन जाएगा, एट माइनस फोर विच इज फोर, तो फोर आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया, थ्री दिया गया। और उसके बाद ये बोलता है फाइव पी इज इक्वल टू पी, ये गलत है, जब भी पी हमारे पास होता है प्राइम नंबर, पी अगर हमारे पास हो प्राइम नंबर, तो जब भी आप उसका फाइव पी निकालते हो वो हमेशा बनता है पी माइनस वन, क्या आता है इसका आंसर, पी माइनस वन, हम निकाल के भी दे सकते हैं, देखो अगर खुद ही नंबर प्राइम है तो वो और टुकड़ों में तो टूटेगा नहीं, है ना, नंबर ही प्राइम है, तो वो एन जो है अगर वो प्राइम नंबर है तो बस यही इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, प्राइम रेस्ट पर वन, पी रेस्ट पर वन, ये प्राइम है, तो फाइव ऑफ पी कितना होगा, तो कैसे लिखते हैं, पहले हम पी रेस्ट पर वन ये लिखा, माइनस एक पावर कम करके लिख दो, तो ये पी माइनस पी रेस्ट पर जीरो इज वन, पी माइनस वन आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा ये आंसर जो होगा ऑप्शन सी वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी एक थ्योरम होती है जिसको आप आयलर थ्योरम कहते हो, ये थ्योरम क्या कहती है, इफ लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है, एंड लेट ए बी एनी इंटीजर, अगर ए एंड एन का जीसीडी वन है तो ए रेस्ट पर फाइव एन हमेशा क्या होता है, दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू वन मोड एन, ये रिजल्ट होता है हमारे पास, तो ए रेस्ट पर फाइव एन इज कॉन्ग्रुएंस टू वन मोड एन दिया हुआ, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए इज रिलेटिवली प्राइम टू एन, ए जो है वो नंबर हमारा रिलेटिवली प्राइम है, मतलब ए एंड एन का जीसीडी वन है, तो ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलो 11, यहाँ पे होना चाहिए मॉडुलो 11, द नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ मॉडुलो 11। तो इस ये भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो हमें प्राइम नंबर दिया गया हो, तो जो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स होते हैं तो वो क्या होंगे, वो कितने होते हैं, 5 ऑफ 5 ऑफ दिस नंबर, 2 टाइम्स इस पे 5 अप्लाई करना है, आयलर 5 फंक्शन, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स मोडोलो 11। ओके, तो अगर आपने निकालने हैं प्रिमिटिव रूट्स मोडोलो 11, तो आपने निकालना है 5 ऑफ 5 ऑफ 11, तो 5 11 निकाल लेते हैं। अब एन यहाँ पे हमें क्या दिया गया, 11, तो ये तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती है, 11 रेज्ड पर 1 है, तो 5 ऑफ 11 कितना होगा, रिजल्ट कैसे पता था, पहले हम यही एलिमेंट जो होते हैं वो लिख देते होते हैं और इसमें से एक पावर कम करके, पहले 1 पावर थी तो अब 0 पावर हो जाएगी, तो ये कितना आएगा, 11 माइनस 1 विच इज 10, तो 5 ऑफ 11 का आंसर आ गया 10। तो 5, ये 5 हमने एज इट इज लिखा, 5 11 हमारे पास बन चुका है 10, अब 5 10 निकालना है। अब एन है हमारे पास 10, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये बनेगा 2 रेज टू पर 1 इंटू 5 रेज टू पर 1, 2 प्राइम्स में ब्रेक हो गया, तो 5 ऑफ 10 क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताया था, ये P1 रेज्ड पर α1 है, ये P2 रेज्ड पर α2 है, तो कैसे लिखते होते हैं, ये लिखो पहले नंबर 2 रेज्ड पर 1 माइनस इसमें से एक पावर कम करके लिख दो, फिर सेकेंड नंबर जो होता है वो लिखो 5 रेज्ड पर 1, इसमें से एक पावर कम कर दो, पहले 1 पावर थी अब 0 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, 5 माइनस 1 इज़ 4, तो आंसर कितना आ गया, 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4। सो 4 इज राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला वैसे तो अप्लाई हर नंबर के लिए जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन ये अगर प्राइम नंबर हो, ये जो एन है, अगर हमारे पास एन जो होता है वो प्राइम नंबर हो और वो पूछे नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स मोडुलो एन, वेयर एन इज प्राइम नंबर, तो उसमें जो प्रिमिटिव रूट्स होते हैं वो 5 ऑफ 5 ऑफ n होते हैं, अगर n यहाँ पे क्या हो, प्राइम नंबर, तो यहाँ पे प्राइम नंबर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। ओके, ये प्रिमिटिव रूट्स के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, अगर प्राइम नंबर ना हो यहाँ पे तो फिर कैसे निकालते हैं प्रिमिटिव रूट्स, ओके, कितने होंगे ये भी कैसे फाइंड करते हैं, वो हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन प्राइम के लिए ये रिजल्ट याद रखना, अगर नंबर प्राइम हो तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स कितने होते हैं, 2 टाइम्स वो नंबर पे 5 अप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 64, 1 एंड 64 के बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बताने हैं हमने, यानी ऐसे नंबर्स जो 1 एंड 64 के बीच में रखे हैं और वो जीपी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स बताने हैं, तो 1 एंड 64 के बीच में बिटवीन बोला है, तो 1 एंड 64 तो हो ही नहीं सकते ना, तो अब देख लेते हैं 1 एंड 64 के बीच में, इंसर्ट कर दो ये नंबर्स को, हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर यहाँ पे 4 होता, ये यहाँ पे 16 होता, तो क्या ये जीपी बन रही है, 4 डिवाइडेड बाय 1 कॉमन रेशो आया, 16 डिवाइडेड बाय 4 कॉमन रेशो 4 आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 16, यस, सबका कॉमन रेशो 4 आ रहा है, तो ये जो नंबर्स हैं वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं, यानी जो जो मेट्रिक मेन इनके बीच में इंसर्ट होगा वो कौन कौन से होंगे, 4 एंड 64 होंगे, बाकी के ऑप्शन आप डिस्कार्ड भी कर सकते थे, अगर हम ये लेते 1 एंड 64 के बीच में ये दो नंबर्स इंसर्ट कर दो, तो 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब जब आप दो नंबर्स इसमें ऐसे इंसर्ट करने हैं जो जीपी फॉर्म कर रहे हो ना, तो ये क्या जीपी बन रहा है, इसको 3 को 1 से डिवाइड किया, कॉमन रेशियो 3 आया, 16 को 3 से डिवाइड करके क्या 3 आ रहा है, कॉमन रेशियो सेम आता होता है ना, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, सेम ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे नंबर ढूंढ लो ऑप्शन में से जो जीपी फॉर्म कर रहे हो। हाँ जी, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलोज इट, देन द कॉमन रेशियो इज, वो कहता कि इनफाइनाइट जीपी का आप कोई भी एक टर्म उठा लो, कोई भी एक टर्म उठा लो, अगर वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट,
एक टर्म तो आपने इनफाइनाइट जीपी की उठा ली, मान लो ये सेकेंड टर्म आपने इनफाइनाइट जीपी की उठाई, अगर वो इक्वल है टू टाइम्स सेकेंड टर्म है, उसको फॉलो कौन कौन सी टर्म्स करेंगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी आएंगी, अगर उन सभी टर्म्स का आप यहाँ पे सम ले लेते हो, ये कंडीशन हमें गिवन है। वो कहता है देन इस केस में जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट समझ आई। अगर आप कोई भी टर्म ले रहे हो, कोई भी टर्म उठा ली अपने, सेकेंड टर्म उठा ली जी इनफाइनाइट जीपी की, कंडीशन क्या है उसके बाद ये हुई है कि जस्ट सेकेंड टर्म जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोअस सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म को फॉलो कर रहे हैं, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इनफाइनाइट टर्म्स, उन सभी टर्म्स का यहाँ पे सम लिख दो। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, इसके बाद हमें बताना है अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हमें देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई टर्म गिवन नहीं है, तो हम फर्स्ट टर्म ही मान लेते हैं, ठीक है। इफ फर्स्ट टर्म जो है जीपी की, अगर वो किसके इक्वल है ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो जीपी में जब हम जीपी लिखते हैं, उसकी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म हम लेते हैं ए रेज्ड पर फोर, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स हैं सपोज करो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बोलता है इफ़ द टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, तो मैं फर्स्ट टर्म ही ले लेती हूँ, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलोज इट, द सम ऑफ ऑल टर्म्स दैट फॉलोज इट। अब फर्स्ट टर्म को ये वाले टर्म्स फॉलो कर रहे हैं, इनका सम ले लेते हैं यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, इन्फाइनाइट जीपी है तो यहाँ पे इन्फाइनाइट टर्म्स का सम आएगा। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, इसके बाद हमें बताना है अगर ऐसी सिचुएशन है तो कॉमन रेशियो क्या होगा इस जीपी का, कॉमन रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टू इंटू, ये टू मल्टीप्लाई में पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, टू यहाँ पे कैसे पड़ा है, मल्टीप्लाई में पड़ा है, तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से ए कॉमन निकाल के इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, टू यहाँ पे बचा गया आर प्लस आर स्क्वेयर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, इधर बचा ये आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये फिर से जीपी नहीं बन रही, इनफाइनाइट जीपी। इसमें कॉमन रेशियो निकाल के देखो, आर स्क्वेयर को आर से डिवाइड करोगे आर, आर क्यूब को आर स्क्वेयर से डिवाइड करोगे आर, दिस इज अ जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो आर। और हमें पता है अगर इनफाइनाइट जीपी होती है हमारे पास तो सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर इज कॉमन रेशियो, ठीक है। अगर इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी की टर्म्स का जब आप सम करते हो तो आंसर क्या आता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर इज कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो यहाँ पे दिस इज इनफाइनाइट जीपी और ये इनफाइनाइट जीपी की टर्म्स का सम है, तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म इसका क्या है आर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो भी आर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 आर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर को यहाँ पे लेके आओगे राइट हैंड साइड पे 3 आर बन जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3। तो जो स्टार्टिंग में हमने जेपी सीरीज लिया था उसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा था, आर था ना कॉमन रेशियो, तो हमें कॉमन रेशियो की वैल्यू बतानी थी, वो कितनी आ रही है 1/3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, दिस इज आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही है। यस, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस इज, कहता है ये जो हमें क्यूबिक दी गई है ना, ये क्यूबिक के जो रूट्स आएंगे, क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे, वो कहता है अगर इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो जो एपी होगी ना उसका कॉमन डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो हमें इतना क्लियर है बिकॉज ये क्यूबिक है, x³ - 12x² +39x - 28, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, और वो तीनों रूट्स किस में है, एपी में है, तो एपी में हम 3 नंबर्स कैसे लेते हैं, एपी में हम 3 नंबर्स कैसे लेते हैं, ए ए प्लस डी ए माइनस डी, ये होते हैं एपी में 3 नंबर्स, 3 नंबर ऐसे जो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दीज 3 नंबर्स आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 3 रूट्स आने थे और वो 3 रूट हमने ये मान लिए,
ठीक है, अब ये जो रूट्स आ रहे हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, और इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डी है ना, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो डी आ जाएगा कॉमन रेशियो, तो इन्होंने इसी की वैल्यू पूछी है, देन देयर कॉमन डिफरेंस इज डी की वैल्यू बतानी है हमने क्या आएगी। अब इसका यूज कैसे करें हम, यहाँ से निकाल लेते हैं, हम इक्वेशन दी हुई है ना क्यूबिक से, हम सम ऑफ रूट्स तो निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं क्यूबिक में, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट कितना है 12, अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। अगर ये है सम ऑफ रूट्स, अगर इनका सम करें हम कितना आएगा, सम ऑफ रूट्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, दिस इज 12, डी से डी कैंसिल आउट हुआ, 3 ए इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से ए कितना आ गया 4 आ गया, ए की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ए हमारे पास 4 आ गया। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं क्यूबिक में, ये होता है सम ऑफ रूट्स, ये होता है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ये यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए, और साइन यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन यूज किया था सम ऑफ रूट्स के लिए, ये पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव साइन यूज होगा इसमें, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास यहाँ पे, साइन साथ में उठाना है, -28 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 1, तो ये कितना आ गया 28। अगर हम वैसे इनका प्रोडक्ट करते हैं रूट्स का, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, तो ये रूट्स थे, इनका प्रोडक्ट कितना आना था, प्रोडक्ट कर दो ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए प्लस डी, ये कितना आ रहा है हमारे पास 28 आ रहा है, ए इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए माइनस डी ए प्लस डी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, दिस इज 28। अब ए की वैल्यू तुम्हें पता है 4 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए आ गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 28, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 4 7 से 28, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर 16 माइनस 7 9 होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।